हरि ओम दोस्तों, मैं योग गुरु डॉक्टर अमित अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, थायराइड। थायराइड रोग आज एक आम समस्या बन चुका है। इस पर बात करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर प्रेस करें। हम बात कर रहे थे थायराइड रोग। थायराइड ग्लैंड आपके गर्दन के निचले हिस्से में स्थित है, जिससे थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। जब उसका सिक्रीशन कम या ज्यादा होता है तो हमें हाइपो और हाइपरथायराइड की समस्या होती है। थायराइड के अगर हम कारणों की बात करें तो अनियमित दिनचर्या, गलत खान पीन और हेरिडिटी इसके मुख्य कारण है। थायराइड के लक्षणों को अगर हम देखें तो विभिन्न रोगियों में थायराइड के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, मगर मुख्य लक्षणों में आपके धड़कनों का बढ़ जाना, आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाना, महिलाओं में महावारी का कम या ज्यादा अनियमित हो जाना, शरीर की त्वचा का खुश्क रहना, बालों का अत्यधिक मात्रा में झड़ना, कमजोरी बना रहना, पैरों में लगातार क्रैम्प्स आना, इस तरह के सिम्टम्स। इसके अतिरिक्त खुश्की अर्थात त्वचा का शुष्क हो जाना, पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज ऐसी समस्याओं का बना रहना, कोल्ड एलर्जी का ना जाना, ये थायराइड के मुख्य लक्षण हैं। थायराइड के अगर खान पीन की बात करें तो हमें मुख्य रूप से फूलगोभी, बंद गोभी, ब्रोकली इनको भोजन में नहीं लेना है, और सफेद नमक की जगह हम लोगों को सेंधा नमक अर्थात लोहरी नमक का इस्तेमाल करना है। आज मैं आपको थायराइड के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक क्रिया बताऊंगा, जिसको आप अपनी दिनचर्या में अगर शामिल करते हैं तो आप थायराइड के गोली से तो बच ही सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपकी गोली स्टार्ट हो सकी है चुकी है तो आप उसको भी धीरे धीरे डॉक्टर के निर्देशानुसार छोड़ सकते हैं। ये महत्वपूर्ण क्रियाओं में पहली क्रिया है ओमकार उच्चारण। देखिए ओमकार उच्चारण कैसे करना है। बिल्कुल सीधे बैठेंगे, गहरे श्वास के साथ आपको ओम बोलना है। गहरा श्वास लीजिए, श्वास पूरा भरिए और ओम कहते हुए छोड़िए। एक बार फिर दोहराएंगे, ओमकार की चैंटिंग 5 से 7 बार आप दोहरा सकते हैं शुरुआत में। दूसरा अभ्यास हम लोग करेंगे उज्जायी प्राणायाम। उज्जायी प्राणायाम में आपको गले के हिस्से को संकुचित करते हुए एक साउंड के साथ, एक आवाज के साथ आपको श्वास को लेना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल अर्थात चंद्र नाड़ी से आपको छोड़ना है। देखिए, पूरा श्वास भरने के बाद गले को संकुचित करते हुए एक साउंड करते हुए और फिर आप लेफ्ट नोस्टल से श्वास को निकाल देते हैं। एक बार फिर देखिए, उज्जायी प्राणायाम थायराइड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। तीसरा अभ्यास हम लोग करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके शरीर की 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करता है, ऊर्जित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास,
आपको इसमें राइट नॉस्ट्रिल बंद करनी है और लेफ्ट से गहरा श्वास लेना है। देखिएगा एक बार, अब राइट से छोड़ दीजिए। फिर राइट से लीजिए, और लेफ्ट से छोड़ दीजिए। देखिए, राइट नोस्ट्रिल हमेशा शुरुआत में बंद रखते हैं, आप लेफ्ट साइड से श्वास लेते हैं और राइट से छोड़ते हैं, फिर राइट से लेते हैं और लेफ्ट से छोड़ते हैं। ये एक सर्किल कहलाता है नाड़ी शोधन प्राणायाम का। इसके आप शुरुआत में 5 सर्किल, 7 सर्किल, 9 सर्किल अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम थायराइड का महत्वपूर्ण अभ्यास है। नेक्स्ट प्रैक्टिस हम लोग करेंगे सिंहासन। सिंहासन भी थायराइड का सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है। सिंहासन में आपको श्वास फेंकते हुए सिंह की गर्जना अर्थात गुर्राने वाली आवाज आपको निकालनी है, और दृष्टि हमेशा भ्रूमध्य दोनों भौं के बीच में रखेंगे। देखिए किस तरह वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के बाद दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लेंगे और हाथों को दोनों घुटनों के बीच में रखेंगे, और आपको टंग निकालते हुए पहले श्वास भर लीजिए और फिर टंग निकालिए और दृष्टि भ्रूमध्य पर रखिए, और साउंड गुर्राने वाली साउंड उतनी ही निकालेंगे कि आपको खांसी ना आए या गले में कोई रैशेस ना हो। देखिए इस तरह आपने पूरी साउंड भरी और टंग को बाहर निकाला, जीभ को बाहर लटकाया और एक खर्राट, इस तरह एक साउंड आपको निकालनी है। नेक्स्ट प्रैक्टिस हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम भी बड़ा खास अभ्यास है। भ्रामरी प्राणायाम में आपको कानों और आंखों को बंद रखना है और शुरुआत में 3 से 5 बार आप होंठों को बंद रखते हुए माँ कार की चैंटिंग करेंगे। एक राउंड में आपको एक रेपिटेशन करके दिखाता हूं। पूरा गहरा आपने श्वास लिया और इस तरह माँ कार की साउंड निकालते हुए आपने छोड़ दिया। ये था भ्रामरी प्राणायाम। तो देखिए पहला अभ्यास हम लोगों ने किया ओमकार चैंटिंग, दूसरा अभ्यास हम लोगों ने किया उज्जायी प्राणायाम, तीसरा नाड़ी शोधन प्राणायाम, चौथा सिंहासन सिंह की गर्जना, और लास्ट प्रैक्टिस हम लोगों ने किया भ्रामरी प्राणायाम। ये 5 अभ्यास अगर आप अपनी नियमित दिनचर्या में रखते हैं तो बहुत जल्दी आप थायराइड की गोली से छुटकारा पा सकते हैं, और गोली आपकी अगर शुरू नहीं हुई है और थायराइड है तो भी आप इन अभ्यासों को लगातार जारी रखिए, तो आपकी कोई भी आपको मेडिसिन एलोपैथिक दवा आपको नहीं खानी पड़ेगी। वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने सुझाव देते रहिए। हरिओम।